मैंने ईयरबड्स कनेक्ट कर रखी है, बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर है। दो से तीन तो दोस्तों कैसे आप सभी, सभी को राम राम। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और हम आए हैं भूतिया हवेली। ये बहुत फेमस हवेली है, यहाँ का सबसे रिक्वेस्ट है, पहली बात तो यहाँ पर रात में व्लॉग शूट ना करें या कोई यहाँ पर नहीं, रात में नहीं आए। ये बहुत डरावनी जगह है, और यहाँ का इतिहास है वो रियलिटी का है। अभी हम अंदर हमने महसूस किया था, जो हमने देखा था वो खैर अलग चीज़ है, लेकिन हमने बहुत कुछ महसूस किया था। शरीर फिर बार बार सीखें लॉस्ट हो रहे थे, फ़ोन के बार बार ईयर्स वगैरह गिर रहे थे, पैरों में पता नहीं क्या हो रहा है, पैरों में कंपन सी बन रही है, दर्द हो रहा है। और ये आप देख सकते हो, ये भूतिया हवेली है, ये भूतिया हवेली बहुत शानदार हवेली बनी हुई है। और ये लगा लो शायद ही यहाँ पर कोई ऐसी हवेली बनी होगी इस शहर के अंदर, ये देख सकते हो आप। और ये रोड के किनारे बनी हुई है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये दो से तीन बार, ये बहुत बड़े बड़े ये कहते हैं कि भाई हम नेता है, पढ़ देता है यहाँ कर MLA वगैरह भी, और शायद। तो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ये है भूतिया व्लॉग। तो हम पहुँच चुके हैं होटल, और ये भूतिया हवेली है, ये बहुत फेमस है। तो यहाँ पर ये लगा लो भाई, जो हमने सुना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूत रहते हैं, ये बहुत डरावनी हवेली है। यहाँ पे लाइट एक भी नहीं है, लेकिन रात में कभी चक्कर आँखों की इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई मिलेगी। भाई रूम सखा डर रहा है, ये भाई भूतिया हवेली है, ये लगा लो इस, ये हवेली मेन रोड पे है, कम से कम 2.5-3 करोड़ की हवेली है, और जो आज लोग खंडक तरफ पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पर सुना था काफ़ी लोग, जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग कहानी है। भाई क्या स्टोरी है यहाँ की, ये भाई यहीं का है, ये यहीं पे रहता है इसके, ये यहाँ पे थोड़ी दूर एक गांव पड़ता है बंचारी, वहाँ का ये भाई है। भाई सबसे पहले नाम क्या है आपका? भाई मेरा नाम अजय है। तो अजय भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। तो भाई मैंने सुना है यहाँ पे बहुत सारे भूत रहते हैं। भाई ये एक भूतों की हवेली है, और ये भूतों ने तोड़ कर रखी है यहाँ पे। यहाँ पे अभी 2-3 बंदे आए थे, गोवर्धन गए थे अभी, और उनमें से दो बंदे छत पे से फेंके हुए हैं, एक बंदा पागल भी हो चुका है। बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयंकर ये ऊपर से देखा, अब आपको ऊपर से दिखाते हैं। तो भाई मैंने सुना है जब यहाँ पे ये हवेली बनी थी, यहाँ पे उद्घाटन हो रहा था, तो उद्घाटन के टाइम जो हवन ववन होता है उस टाइम यहाँ पर एक औरत जल के हुई मरी थी। हाँ जी, ये सच्चाई है? हाँ जी बिल्कुल। तो तब से यहाँ पर कोई नहीं आता, तो मुझे हाँ वह 2-3 साल हो गए होंगे, उसके बाद यहाँ पे ये शायद बिकी भी थी एक बार। मैंने सुना है कि चंडीगढ़ का एक आदमी था, उसने ज़मीन खरीदी थी, हवेली खरीदी थी 1.5-2 करोड़ रुपये में। ये भाई काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, ये लगा लो भाई इतनी देखने लायक हवेली है, इसमें कोई पर कोई रह नहीं सकता। कम से कम भी ये लगा लो, इसमें जिस टाइम में बनी थी उस टाइम इसमें 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा आया होगा, बिल्कुल ये लगा लो फिल्मी हवेली है। और आप देख सकते हो उस टाइम में डिज़ाइन इस तरीके से इसे मॉडिफिकेशन किया हुआ थी उस टाइम। देखो आप जितने भी रूम देखोगे ना, जितने भी रूम हैं वहीं से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ भी ऐसी हैं फिल्मी स्टाइल में। ये यहाँ पर रूम है, और ये किचन बनी हुई है, ये किचन बनी हुई है, ये बालकनी है। और एक सबसे बेस्ट, एक मुझे एक दिन में रात को 2 बजे यहाँ से जा रहा था, हम हर महीने परिक्रमा दे के आते हैं गोवर्धन भगवान की, तो उस दिन इसमें 2.5 से 3 बजे का टाइम होगा, इसमें लाइट जल रही थी। अब ये मैं देख रहा हूँ कि यार लाइट जलती है, लेकिन इसे बल्ब तो है ही नहीं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ही बल्ब अपने दिख रहा होगा, होल्डर भी टूटे हुए हैं, फिर भाई ये लाइट जलती कैसे है ये सच। तो दोस्तों उस ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है भाई? आवाज़ सी आ रही है,
ये लगा लो भाई, कुछ तो है भाई, कुछ तो है यहाँ पे, क्योंकि भाई एनर्जी वगैरह होती हैं, मैंने सुना है काफ़ी एनर्जी होती है। ये लगा लो, हर रूम में किचन बना हुआ है। डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है यार? बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहा है यार ये डिस्कनेक्ट, किस रूम में आके डिस्कनेक्टेड हुआ है फोन? भाई कुछ तो है यहाँ पे, कुछ है, कुछ है भाई, मुझे लग रहा कुछ है भाई, सही कांप रहा भाई मेरा तो भाई, सही में कंपनसी तो हो रही है, मेरे भी हो रही है भाई, भाई कंपनसी मेरे भी हो रही है, देख खिड़की और हाल रही है एक दीवार। तो ये भाई भूतिया हवेली है। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है, हमको यहाँ पे दिन में परमिशन मिल गई, रात में लेकिन परमिशन नहीं मिली हमें, हमारा जो प्लान था वो यहाँ पे रात, ये क्या हुआ था भाई? भाई तो दोस्तों यहाँ पे एक तो सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ पे रात को नहीं आना है, आपको कोई अगर घूमना चाहे इस हवेली के भूत हवेली देखना चाहे तो भाई रात में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि हमने परमिशन मांगी थी, हम रात की परमिशन हमें नहीं मिली। और ये लगा लो इस हवेली में, ये हवेली हज़ार से 1500 गज में बनी हुई है, इसमें जितने भी ये कमरे बने हुए हैं अटैच साथ, इसमें सारे रूम वगैरह उनके टच में ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं इस हवेली को 15 साल से देख रहा हूँ, लेकिन आज तक हिम्मत नहीं हुई आने की। हम जब भी यहाँ से जाते थे कि भाई बहुत मगर था देखने का हवेली, लेकिन सबसे ये है कि कभी आप कभी नाइट में आओगे ना तो यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई मिलेगी, लाइट जलती हुई मिलती है, लेकिन यहाँ पर बल्ब तो है ही नहीं, ये लाइट जलती कहाँ से है? ये समझ रही, राज एक राज बना हुआ है, ये एक राज बना हुआ है, ये लाइट जलती कैसी है? भाई मैंने ईयरबड्स कनेक्ट कर रखे हैं, बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर है, 2 से 3 बार में डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो नीचे। भाई ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? सबसे ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? उधर से नहीं, शायद इधर से साइड में सीटें देखी थी, इधर है। भाई रात में परमिशन क्यों नहीं मिलेगी यहाँ पे आने में? रात को मना करते हैं भाई, रात में डर लगता ही है भाई। भाई एक साथ चलोगे मेरे साथ ऊपर? भाई डर दिमाग। तो भाई ये छत पे आ चुके हैं, इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है इस हवेली का। तो मैं बचपन से ही, जब से मैं घूमने आता था, परकम्मा वगैरह लगाने जाते थे, महागरा वगैरह घूम जाते थे, तो तब से मैं इस हवेली देख रहा हूँ, बहुत मन करता देखने का। तो हम किसी दिन रात माने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भाई, पर सबसे रिक्वेस्ट है भाई अकेला यहाँ पर कोई नहीं आई, क्योंकि भाई समय बहुत बलवान है कुछ समय की। और ये हवेली आप ये लगा लो, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, इसमें वो उद्घाटन वाले दिन एक लड़की, मतलब जो औरत थी, वो जल के मरी थी, उसके बाद से इस हवेली को 2-3 साल बंद रखा गया। हवेली बंद रहने के बाद ये 3 साल 4 साल कुछ आइडिया नहीं है कितना, लेकिन 4-5 साल थे जब ये जो हवेली थी ये बिकी थी। यार सांस की प्रॉब्लम आ रही है, सांस ढंग से नहीं आ रहा सांस ऐसे क्यों आ रही है? रुक रुक के भाई, यहाँ पता नहीं यार, सांस ढंग से ना आ रहा। तो भाई सांस भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं धूप से हो रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये लगा लो, ये इस तरीके से बनी हुई है कि इस टाइम कोई सोच नहीं सकता, उस टाइम तेरे पैसे लगे इसमें। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, और इसमें लास्ट टाइम इसमें 2 से 3 महीने पहले पेंटर आए थे पेंट कराने के लिए, जिनमें से उनकी बाल्टी बुल्टी फेंक दी, और एक बार इसमें 10 से 12 बाउंसर आए थे इस हवेली में, इस भूतिया हवेली में 10 से 12 बाउंसर आए थे। तो ये देख सकते हो आप,
इसमें काफ़ी सारे बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। उस टाइम ये लगा लो इसमें इतना पैसा लगा था कि यहाँ कोई सोच नहीं सकता इतना पैसा लगा था। जिसने पैसा लगाया था वो रहा नहीं इसमें एक दिन भी। तो इसका अलग अलग कहानियाँ हैं। तो इसमें एक बार ने ये भी कहा था कि भाई ये तीन पार्टनर की ज़मीन थी। क्या हुआ है, क्या पढ़िए ये भाई? ये यहाँ पे अभी लास्ट टाइम कुछ बता रहे थे ऐसे, यहाँ पे 3-4 महीने पहले पेंट हुआ था, वो पेंटर्स भगा दिए। लेकिन भाई सबसे बड़ी ये समस्या है, ये मैंने अपनी आँखों से देखा था। यहाँ पे मैंने अपनी आँखों से देखा था, यहाँ पे लाइट जली हुई थी, यहाँ पे ये सारे बल्ब हैं, लाइट जली हुई थी और रात के 2 से 2:30 के बीच का टाइम था रात को। तो वो समझ में नहीं आ रहा वो लाइट जली कैसी, ये सबसे बड़ी समस्या है मेरे दिमाग के अंदर। और ये लगा लो ये जो भूतिया हवेली है ये बहुत फेमस है। आपको मैं सारा कुछ दिखा दिया है। ये लगा लो भाई, सबसे रिक्वेस्ट है रात के टाइम यहाँ पे कोई नहीं आए। मैंने जितने भी कमरे हैं सबके अटैच सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी आपको हर जगह मिलेंगी। और ये देखो उस टाइम को वो यहाँ पे वाश बेसन हुआ करता था। वाश बेसन यहाँ पर फिलहाल है नहीं, तोड़ फोड़ हुई है। अब यहाँ पे जितने भी शीशे लगे हुए हैं पहले बिल्कुल ओके थे, लेकिन यहाँ पर रात को कुछ समस्या होती है और यहाँ पे लाइट हमेशा जलती है। ये देखो कितनी तोड़ फोड़ हुई है। यहाँ पे भी बाथरूम है, मतलब इसमें कम से कम भी 15 से 20 बाथरूम हम देख चुके हैं। और इसमें हर किचन की अलग ही रसोई है, हर आप देख सकते हो हर, ये लगा लो उस टाइम की इसमें कम से कम भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगे होंगे। और ये हवेली बहुत बार बिकी है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो ये इसमें स्टे कर सके। भाई एक बार इधर चलोगे? एक बार भाई डर से लग रहा, अकेलो इधर आ जाओ एक बार। अजय भाई एक बार आगे चलना, आगे क्योंकि भाई मेरा इंश्योरेंस नहीं हो पड़ा ना, कुछ हो जाए। आपका तो इंश्योरेंस हो पड़ा ना? हाँ फिर ठीक है भाई। तो भाई ये किचन है, ये भाई किचन है, किचन है भाई। ये लगा लो इतनी शानदार किचन, उस टाइम भी लॉक वाइट, इसमें टाइल लगी हुई है। सबसे मेन बात है इसमें हर जगह टाइल वगैरह लगी हुई है। और ये भाई इसका उस टाइम का ये क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है? अलमारी, ये और ये क्या है भाई? ये भाई स्टोर रूम है, पता नहीं क्या है। यहाँ पे बहुत बार हवन वगैरह भी हुए हैं लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ। और भाई सबसे बड़ी बात, जब से मैं आया हूँ ना मेरा बार बार रूम से खट होता है, हर अंदर से एक पता नहीं क्या हो रहा है, एक अजीब सा फील हो रहा है मुझे। पैर से दुख रहे हैं भाई? भाई प्रॉब्लम तो है, आप कुछ है यहाँ पर, कोई एनर्जी तो यहाँ पर है भाई। इधर आओ एक बार, ये भाई यहाँ पर आग वगैरह लगी हुई शायद है ना। ये भाई मैंने सुना था कि जो और जल के मरी थी वो जल के मरी थी क्या भाई? अंदर भाई एक अंदर जाओगे भाई एक अंदर जाओगे? दीपेश भाई एक बार अंदर जाएंगे, हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। वैसे भाई आना एक बार भाई, अंदर चलोगे हमारे साथ? चलना भाई, भाई फ्लैश जलाता हूँ एक बार। इसमें चली थी भाई, इसमें भाई जल के मैं थोड़ी अंदर चलोगे भाई? भाई क्या गिरा था भाई ये? इसमें भाई ये कहा, इसमें शायद कोई जल के कुछ जलाया, पता नहीं जली थी जला था कुछ। इसमें लेडीज जली थी, इसमें जली थी लेडीज, वो लड़की इसी कमरे में जली थी। तो भाई इसमें बता रहा है भाई यहाँ पर वो जल के जो जल पे घटना दुर्घटना घटी थी, मैं ये नहीं कह रहा वो जल के कुछ मरा था। कि भाई ये लगा लो यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा है, जब से मैं आया हूँ ना तभी मेरा थर थर सा कांप रहा है एक तरीके से।
इसमें इतना इतनी शानदार कोठी बनी हुई है, इतनी शानदार कोठी बनी हुई है, बहुत ही शानदार कोठी बनी हुई है। और बार बार मैं फोन को साफ कर रहा हूँ, कैमरा खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, साफ नहीं आ रहा कैमरा मेरा। साफ कैमरा क्यों नहीं आ रहा भाई? भाई प्रॉब्लम है इसमें भाई, कुछ इसमें एनर्जी तो है, रियलिटी है। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है भाई, मेरे को डर लग रहा है, भाई ये भूतिया हवेली बाहर से दिखा देता हूँ आपको। मैंने दो तीन बार आया हूँ यहाँ से, तो ये मेरे को लाइट जलती हुई मिलती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बल्फ नहीं है एक भी, भूतिया हवेली बल्फ नहीं है। भाई मैंने ये ईयरफोन लगा रखे थे, पता नहीं बार बार क्यों कान से निकल गिर रहे, जबकि फुल टाइट है और बार बार मैं सिग्नल लॉस्ट हो रहा है। भाई एनर्जी तो यहाँ पर कुछ है इस भूतिया हवेली में। ये लगा लो, दो डेढ़ से दो करोड़ की इसमें लागत लगी है, ढाई करोड़ की बनी है, तो भाई इसमें कुछ एनर्जी तो है। तो दोस्तों ये जो भूतिया हवेली है, इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है और ये 20 से 25 साल से यहीं पर है। और जो ये हवेली है, ये लगा लो इतनी डरावनी है, कोई यहाँ पर रात को, सबसे मैंने आप वीडियो बार बार कह रहा हूँ, रात को इसमें लाइट जलती है और हमने अंदर जाके देखा है, इसमें लाइट का सिस्टम यार है ही नहीं है, जलती कहाँ से है? इसे बल्ब वगैरह इसमें कोई वायर नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, सब तोड़ फोड़ हो चुकी है इसमें, शीशे भी इसमें, इसमें पेंट हर साल दो साल में होता है, लेकिन पेंट पता नहीं कहाँ जाता है, इसका रहस्य बना हुआ है। और ये होडल शहर के बाहर रोड में मेन हाईवे पड़ती है, आप दिख रहा होगा आपको, ये फ्लाई ओवर जा रहा है, ये रोड नेशनल हाईवे है, ये पलवल से मतलब फरीदाबाद से बल्लमगढ़ से ये सीधा आगरा की तरफ जा रहा है। और ये वो भूतिया हवेली है, हवेली है, और ये हवेली यहाँ पर बहुत डरावनी है। और ये बाबरी के पास है, कुछ बाबरी बाबरी बोलते हैं इसे। और हमने भाई से बात की थी, अजय भाई से, उसने सारी चीज़ें उसके बारे में बताई। और ये भूतिया हवेली ये हाईवे के बिल्कुल टच में पड़ती है, मेन हाईवे है। और भाई इसमें रात को लाइट जलती है, पता नहीं क्या जलती है, और ये इसमें अंदर जाओगे पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। मुझे बहुत बार फील हुआ था, पैरों में दुख हुए थे, फिर तो मैंने भाई इग्नोर करके बार बार में सिग्नल लॉस्ट छोड़ते, मैंने ईयरबड्स लगा रखे देख रखे, वीडियो में दिख रहा होगा आपको, लेकिन बार बार सिग्नल लॉस्ट छोड़ते बार बार, मुझे अपने आप से कान में खूब टाइट देख सकते हो आप, लेकिन फिर भी ये बार बार कान से निकल गिर रहे थे। पहली बार हुआ मेरे साथ कि ऐसे ईयरबड अपने आप गिर रहे, और पैरों में आप कमर देख सकते हो, पैरों में अपने आप कंपन सी हो रही है, कंपन सी हो रही है। अभी टाइम क्या हो रहा है भाई? भाई 12:15 बजे, 12:17 टाइम गलत घड़ी में। तो दोस्तों हम जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और भाई भूतिया हवेली यहाँ पे कोई रात में नहीं आए, सबसे रिक्वेस्ट है, हमको परमिशन नहीं मिली, लेकिन कोशिश करेंगे किसी दिन आने की यहाँ पर रात में, तो रात की वीडियो शूट करेंगे यहाँ पे। और आपकी बार हम अपना वो एक मीटर सा आता है, उस एनर्जी मीटर बोलते हैं, उसको भी लेके आएंगे साथ में, तब इस हवेली को ढंग से दिखाएंगे। दोस्तों राम राम।